तो भाई साहब, हमने जस्ट कल ही पैरा ओलंपिक्स के रिलेटेड वीडियो शूट किया है और कल ही मैंने अपलोड किया है और आज तो न्यूज़ आ चुकी है भाई साहब, हमारे प्लेयर्स ने 4 मेडल्स जीत चुके हैं, यानी कि 1 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 2 ब्रोंज। तो इस बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, किसने कौन सा मेडल जीता है, किस कैटेगरीज में, तो वो सारी बात आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। पर पैरा ओलंपिक्स में मैं पिछले ही वीडियो में बोला कि इस बार 84 एथलीट्स जा रहे हैं, पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स जा रहे हैं, तो इस साल कुछ अलग होगा और वही सारी चीज़ें हो रही है। तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि हमारे इंडिया के प्लेयर्स काफ़ी धूम मचा चुके हैं ओलंपिक्स में और अब पैरा ओलंपिक्स में हमारे प्लेयर्स खतरनाक धूम मचा रहे हैं, तो ये जान के बहुत खुशी हो रही है। तो आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ हमने शूटिंग कैटेगरी एंड एथलेटिक कैटेगरीज में ही मेडल्स जीते और काफ़ी सारी और स्पोर्ट्स अभी बाकी है, तो जैसे जैसे हम मेडल्स जीतेंगे वैसे वैसे हमारे न्यू वीडियोस आते रहेंगे। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये सारी कॉन्वर्जेशन, क्योंकि पहले नंबर पे यानी कि जिसने गोल्ड जीता है उनका नाम है अवनी लेखारा और उन्होंने वुमन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। यानी कि आप समझोगे भाई साहब, पैरा ओलंपिक्स, यानी कि मैंने कल ही बोला था कि व्हाट इज़ द पैरा ओलंपिक्स, जिन्होंने जिसका कुछ हाथ नहीं होता, पैर नहीं होते, किसी की आंखें डैमेज होती है और किसी का कोई भी बॉडी पार्ट्स डैमेज होता है, वो सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वही जज्बा जो मैंने बोला था कि नेवर गिव अप का एटीट्यूड लेके वो सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने देश के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती है और काफ़ी मोटिवेशन मिलती है उन सारे लोगों से। और सेकेंड नंबर पे आते हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, वो है मनीष नरवाल। यानी कि 4 मेडल्स में से 3 तो हमारी लड़कियों ने ही जीत लिए और जो अकेला एक मेडल जीता है वो हमारे भाई ने सिल्वर मेडल जीता है, वो भी मेंस एयर 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में, तो वो भी काफ़ी बड़ी अच्छी बात है। और जब अब ब्रोंज की बात पे आते हैं तो ब्रोंज में अभी शूटिंग का चल रहा है तो शूटिंग ही कंटिन्यू करते हैं, तो शूटिंग में आ जाते हैं तो मोना अग्रवाल, उन्होंने भी 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ब्रोंज मेडल जीता है। और फिर आते हैं एथलेटिक में तो प्रीति पोल, उन्होंने 100 मीटर्स की रेस में भाई साहब ब्रोंज मेडल जीता है। और आप समझो कि इस हिसाब से हमारे प्लेयर्स अभी सिर्फ पैरा ओलंपिक को स्टार्ट हुए 2 ही दिन हुए और 4 मेडल्स आ चुके हैं, तो अभी तो काफ़ी लंबा सफ़र बाकी, ये पूरा टूर्नामेंट 12 डेज का होने वाला है, तो हमें और भी आगे एक्साइटिंग चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स भी बाकी है और काफ़ी सारे मेडल्स अभी आने बाकी और काफ़ी दूरंदर अभी दिखने बाकी है। तो आई होप सो कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो और आपको मज़ा आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे न्यू ढांसू वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे न्यू एंड एनर्जेटिक वीडियो के साथ। बाय बाय, लेट्स गो।